वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तालिबान के वाधे खतरे के मद्देनज़र अफगानिस्तान विच भारतीय दूतघर के सारे कर्मचारियों सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है। मिली जानकारी अनुसार भारतीय हवाई सेना के जहाज ने अज सवेरे कर्मचारियों और सारे लोड़ींदे दस्तावेजों को लेकर राजधानी काबुल के हवाई अड्डे तो उड़ान भरी है। तालिबान लड़ाकों ने काबुल उत्ते कब्जा कर लिया। सूत्रों ने दसा कि भारतीय दूतघर ने सोमवार को ही काबुल विच विगड़ी स्थिति दी विचकार काम रोक दिता सी। उन्होंने दसा कि भारतीय स्टाफ के जाने बाद दूतवास का काम स्थानक अफगान कर्मचारियों सौंप दिया जाएगा। भारतीय हवाई सेना के जहाज C-17 ग्लोब मास्टर देश में फंसे भारतीयों बचाने काबुल पहुंचा सी। हालांकि गड़बड़ी के कारण फौजी और नागरिक कार्रवाइयों रोक दिया गया। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले नाल कहा है कि भारत वापस आने के चाहवान भारतीय सुरक्षित खेतरों में हैं और उन्हें एक या दो दिनों में सुरक्षित वापस लिया जाएगा। इस ही इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने दसा कि अफगानिस्तान के वख-वख हिस्सों में फंसे लगभग 120 भारतीयों एक या दो दिनों में भारत लिया जाएगा। सोमवार को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान की स्थिति से नेड़े नज़र रख रही है। मंत्रालय के बुलारे अरिंद बागची ने कहा कि काबुल में हालात पिछले कुछ दिनों तो तेजी से बिगड़ गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट राही जानकारी दी कि मंत्रालय ने अफगानिस्तान तो भारत वापसी और होर बेनतियों एक विशेष अफगानिस्तान सैल तैयार किया है। इस दे नाल ही उन्होंने ईमेल अते आईडी अते फोन नंबर भी सांझे किए ने। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा सी कि भारत अफगानिस्तान विच छोटे सिख अते हिंदू भाईचारे नूं भारत वापस आउण विच मदद करेगा। बागची ने कहा असी अफगान विच सिख अते हिंदू भाईचारे दे नुमाइंदियां दे नाल लगातार संपर्क विच हां। असी उन्हां लोकां नूं भारत वापस आउण दी सहूलत देवांगे जो अफगानिस्तान छड्डणा चाहुंदे ने।